उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। चमोली में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जो लोगों के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जहां नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं प्राकृतिक नाले भी भयानक रूप में नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में स्थित लामबगड़ गांव से कुछ पहले बहने वाले कचरा नाला बरसाती पानी के कारण आजकल उफान पर है। जी हां, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बारिश के बेग के कारण नाले में आए सैलाब का है, जिसके कारण ये नाला अपने मूल स्थान से हटकर मुख्य सड़क में बह रहा है। अचानक नाले में आ रहे वेग के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने यहां पर SDRF की टीम तैनात कर दी है, जो लोगों को जब कभी नाले में पानी बढ़ रहा है तो उस दौरान लोगों को नाले से आर पार करवा रही है। हल्की बारिश होते ही ये नाला भयानक रूप ले रहा है और उफान पर पहुँच रहा है। वहीं बागेश्वर में एक बार फिर जिले में हुई भारी बारिश से 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं भूस्खलन से कपकोट और गरुण ब्लॉक में मोटर मार्ग सहित 18 सड़कें आवागमन के लिए बंद हो गई हैं। यातायात बाधित होने से ग्रामीण क्षेत्र लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी सामान के लिए ग्रामीण बड़ी मुश्किल से आवाजाही कर रहे हैं। बारिश से हुए भूस्खलन से बिजली के पोल गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जिले में कुल अब तक 20 गांव की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई है। बारिश होने से सरयू और गोमती नदी उफान पर है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मैं ग्राम पंचायत ग्वाल से बोल रहा हूं और 2016 में ग्राम पंचायत में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग की गई और उस वक्त हमें जेई और एई साहब ने बोला था कि कटिंग होते ही आपके घर के आगे सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, लेकिन 2016 से आज 2020 तक कोई सुरक्षा दीवार नहीं बनी और सुरक्षा दीवार न बनने के कारण हमारा आवासीय मकान को खतरा हो गया है और हमारे आवासीय मकान के आगे के बीम कॉलम से आगे आंगन की दीवार पूरी भूस्खलन की चपेट में आ गई है और हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है अब। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट है, बंद सड़कों को खोलने के लिए JCB मशीन लगाई गई है, जल्द बंद सड़कें खोल दी जाएंगी। साथ ही जिला अधिकारी ने बताया कि जिन ग्रामों में यातायात अभी बाधित है, उन जगहों पर राशन बिजली पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी TV के लिए चमोली से पूरन सिंह और बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट।